नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कटक में हुए पहले टीडट मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 93 रन से हरा दिया। मैच में एमएस धोनी की बैटिंग का एक बार फिर पुराना अंदाज दिखा। उन्होंने 22 बॉल पर 39 रन की इनिंग खेली। इस दौरान 14वें ओवर में धोनी ने एक ऐसा जबरदस्त शॉट लगाया जिससे नॉन स्ट्राइकर रन पर खड़े लोकेश राहुल गिर गए। 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर एमएस धोनी ने जबरदस्त शॉट लगाया। उन्होंने लॉन्ग ऑन की ओर स्वाइप शॉट खेला। ये शॉट लोकेश राहुल के काफी करीब से गुजारा और उन्होंने जंप लगाकर खुद को बॉल से दूर किया। इस कोशिश में राहुल गिर भी गए। धोनी के इस शॉट पर टीम इंडिया को 4 रन मिले। श्रीलंकाई बॉलर धनंजय की बॉल पर धोनी का ये शॉट इतना शानदार था कि फैंस ने उन्हें खूब चीयर किया। काफी देर तक स्टेडियम में सिर्फ धोनी के नाम का शोर ही गूंजता रहा। पहले टीडट में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 180 रन बनाए। लोकेश राहुल ने 61, धोनी ने 39 और मनीष पांडे ने 18 बॉल में 32 रन की इनिंग खेली। जवाब में श्रीलंकाई टीम 16 ओवर में ही 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। चहल ने 4 और पंड्या ने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव को 2 और उनादकर को 1 विकेट मिला। 93 रन से मैच जीत कर टीम इंडिया ने 3 मैचों की वन अड्डे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। अब सीरीज का अगला मैच 22 दिसंबर को इंदौर में होगा।